गांधी कहते हैं कि किसी भी इंसान के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि आज हम लोगों को गांधी जी के मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करके, माता कस्तूरबा के ऊपर माल्यार्पण करके बेतिया जाना था, और बेतिया में कार्यक्रम करने के बाद मोतिहारी जाना था। लेकिन पुलिस का ये कहना है, प्रशासन का ये कहना है कि आपका परमिशन कैंसिल कर दिया गया है कल रात में। प्रशासन, ए भाई बैठो ना, तुम बैठा, बैठा देंगे। देखिए, प्रशासन को मुर्दाबाद कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि प्रशासन प्रशासन को सरकार का सुनना पड़ता है। ए भाई तुम बैठ जाओ, हम ठीक करा देंगे। प्रशासन को भाई उत्तानी परमिशन नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिन में ये कहें कि आपको सांस लेने का भी परमिशन। इसलिए मेरा आप तमाम लोगों से आग्रह है, नहीं सर थोड़ा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। पुलिस कह रही है कि आप लोगों को हिरासत में लिया गया है। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, जितना संख्या में पुलिस है उससे ज्यादा हम लोग हैं। हम कानून को मानते हैं, हमसे हमारा नागरिक होने का कागज मांग रहे हैं, और ये हमको डिटेन करने का कागज नहीं दिया। हम लोग लड़ेंगे और इस बात के लिए लड़ेंगे कि हमको गांधी और भगत सिंह का देश बनाना है।